आम के मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए सहारा कश्मीर, सहारा कश्मीर हर न्यूज के साथ। बिजली के हवाले से हो, चाहे राशन के हवाले से हो, चाहे महंगाई के हवाले से हो, चाहे हमारी दरियाओं पे, पहाड़ों पे अब हमारा हक नहीं रहा, जमीनों पे हमारा हक नहीं रहा, यहाँ हर तरह से अब आप देखें तो पिछले 10 साल से तबाही और बर्बादी के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। नौजवानों के साथ पकड़ धकड़, नौजवानों के खिलाफ FIR, नौजवानों को पुलिस थानों में बुला के पूछताछ करना, हर लिहाज से हमारे नौजवान आज परेशान है। परेशान है। दोस्तों से, भाइयों से, बुजुर्गों से यही मौजूदा अपील करने के लिए कि मैं आपकी नुमाइंदगी करके आपके ये तमाम मुतालबे हल करना चाहता हूँ। मुझे खासकर पिछले 6 साल से जो इस्तेसाल हुआ, जो जम्मू कश्मीर के साथ धोखा हुआ, जो हमारे हकूक छीने गए, जो रियासत का दर्जा हमसे छीना गया, इंशाल्लाह इन सब चीजों का जो है हम इसका इलाज करेंगे, खिलाफ करेंगे और यहाँ गांदरबल को जो इंशाल्लाह तरक्की के रास्ते पे वापस लाएंगे। यही दस साल से यहाँ कोई काम नहीं हुए, कोई तरक्की नहीं हुई, कोई नुमाइंदगी नहीं हुई, नौजवानों के रोजगार का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। इंशाल्लाह इन सब चीज़ों का हम इलाज करेंगे 8 अक्टूबर के बाद जब नतीजे निकलेंगे और मुझे आपकी खिदमत और आपकी नुमाइंदगी करने का मौका जो काम 2014 के बाद अधूरे रह गए, जिनको मुकम्मल नहीं किया गया, उनमें से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जमीनों का जो मुआवजे का मामला है, इंशाल्लाह 8 अक्टूबर के बाद हुकूमत बनेगी तो ये तमाम मुतालबे और मसले जो है ये हल हो जाएंगे। PDP ने लोगों को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं किया।
2014 में भी यही पीडीपी वाले थे जिन्होंने लोगों को धोखा दिया, कहा बीजेपी को बाहर रखने के लिए पीडीपी को जितवाओ। लोगों ने पीडीपी को जितवाया और उन्होंने फौरी तौर बीजेपी को अंदर लाया। उस चीज के लिए आज तक पीडीपी ने लोगों से माफी नहीं मांगी। आज हम जो भी भुगत रहे हैं वो पीडीपी की बदौलत, लेकिन इंशाल्लाह मैं मान के चल रहा हूँ कि इस आने वाले इलेक्शन में लोग जो हैं पीडीपी का साथ नहीं देंगे। इंशाल्लाह कामयाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे अलायंस की होगी और 8 अक्टूबर के बाद हुकूमत हम बना के लोगों के मसलों को जो है हल करेंगे।